उरई थाना पैथोलॉजी में अज्ञात कारणों से लगी भीषण आग। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस अधीक्षक जालौन सीओसीसी संतोष कुमार व जनपद के आला अधिकारी मौजूद। मौके पर दमकल विभाग की कई गाड़ियां आग बुझाने में लगी। आग कैसे लगी इसका पता अभी तक नहीं चला है। पुलिस जांच में जुटी हुई है। स्टोर के खुलने का टाइम जो है वो दिन में सुबह 11:30 बजे है और 11:30-11:30 बजे के बाद की घटना है। इसने इसका ये कहना था कि जैसे एसी ऑन किया, एसी ऑन किया क्योंकि सारे जितने भी पार्टीशंस बने थे सारे पार्टीशंस वुडन के थे। उसके बाद किचन में रखा हुआ जो ऑयल था, जो हम लोग ऑयल यूज़ करते हैं, उस ऑयल में आग लगी। क्योंकि पार्टीशन सारे वुडन के थे, उसके बाद पीवीसी, बाकी कुर्सियाँ, तो इसकी वजह से वो आग लगातार बढ़ती चली गई। फायर ब्रिगेड 15 से 20 मिनट के अंदर आ गई और उसने अपना काम किया। फायर सेफ्टी डिवाइस में 18 सिलेंडर्स हमने यूज़ किए जो कि बाहर रखे, वो आप देख सकते हैं। उसके बाद डॉक्टर श्रीकांत तिवारी का सामने से नर्सिंग होम में 12 वहाँ से आए। उसके बाद 4 फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ लग गई जिनको बुझाने में समय लगे। आए क्या थे अंदर फूड रेस्टोरेंट में, उस पर फायर सेफ्टी डिवाइस कोई नहीं था। फायर सेफ्टी जब आग लगती है तो जिस बंदे को बताना था, किचन के अंदर डिवाइस अवेलेबल था, वो जब तक लेकर के वहाँ से आता उसके पहले बाहर जाकर के वो बताने पे उसने ज़्यादा बेहतर समझा कि और लोगों को बुला लें, तब तक वो आग लगातार बढ़ती चली गई और डिवाइस सारी जगहों पे लगी हुई है। ओके, थैंक यू, थैंक यू। कस्टमर आया, उसके बाद उसने बोला कि भैया गर्मी लग रही है, ए सी जला दो। मैंने जैसे ए सी चलाया तो भर से मारा, फिर मैंने सर के पास फ़ोन किया कि सर ए सी में प्रॉब्लम से आ गई। फिर अपने आप ने उसमें एक चक्कर ने 2 सेकंड भी नहीं हुआ, पूरे में आग लगी, पूरे ए सी में दर्द दर्द लगने लगे। अच्छा, जी। तो मैंने डर के मारे ना भाग गया। मैं फिर यहाँ पे गया, पाल जी को बुलाया, पाल जी बोला कि ऊपर पेंटर को बुलाओ, पेंटर जी को मैं बुलाया, नीचे को ताकि पूरा स्टोर में आग लगी। कितने लोग मौजूद थे समय समय आग लगी? 2 ही बंदे थे पूरे रेस्टोरेंट में जी, 4 कस्टमर थे। कितना नुकसान हुआ है? नुकसान तो बहुत हुआ। फायर सर्विस से एनओसी है आप लोगों के पास? आओ, फायर सर्विस से एनओसी है हमारे पास। और थाना पैथोलॉजी में आग लग कितना नुकसान हुआ है और कितनी देर में कार्रवाई शुरू हुई, क्या पूरा सर मामला रहा? थाना पैथोलॉजी में आग लगने की सूचना जैसे प्राप्त हुई, वहाँ पर सूचना पर 2 मिनट के अंदर पुलिस फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ यहाँ पर पहुँची है, पुलिस से सारी गाड़ियों को बुलाया गया है और अब पूरी तरह से आग पर नियंत्रण पाया गया। सर आकलन हो पाया नुकसान का? इसे जो है अभी अनुमान नहीं लगाया जा सकता है, उनके मालिकों से बात करके अलग से बताया जाएगा। सर ऐसा लग रहा है कि इनके पास एनओसी नहीं थी विभाग की तरफ से, इस संबंध में जानकारी करके अवगत कराया। सर क्या कारण रहा है अगर प्राथमिक दृष्टि से किस तरह से आ रहा है? प्रथम दृष्टिया देखने से पाया गया कि एसी में शॉर्ट सर्किट हुई है जिसके कारण ये पूरी तरह से आग फैली है। कितनी गाड़ियों का इस्तेमाल करा गया सर? कितनी गाड़ियों लाई? 5 गाड़ियों का प्रयोग किया गया फायर सर्विस। कोई जनहानि नहीं?